अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। वाल्मीकि नेता विपिन मनोठिया के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने जिला पुलिस प्रशासन को दिए 48 घंटे के अल्टीमेटम की अवधि को 24 घंटे और बढ़ा दिया है। ऐसा चुनाव की व्यस्तता को देखते हुए किया गया है। गिरफ्तार न होने की दशा में किसान आंदोलन की तर्ज पर कमिश्नरी को घेरने व उधर से प्रशासनिक अफसरों को न गुजरने देने की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि विपिन मनोठिया पर हुआ यह हमला व्यक्तिगत न होकर समाज पर हुआ माना गया है। जो लोग यह कह रहे हैं कि यह सियासी लड़ाई है, सफाई कर्मी इसका मोहरा नहीं बनेगा, तो वह समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। दरअसल 10 फरवरी को मेरठ शास्त्री नगर के ब्लॉक स्थित विद्या मंदिर मतदाता केंद्र पर विपिन मनोठिया को गिरा गिरा कर पीटा गया था, जबकि सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी विपिन को छोड़कर वहां से भाग निकले थे। इस मामले में ईशु भड़ाना, शंभू पहलवान, ललित मोरल, सागर पोसवाल को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यह आरोप भी लगाया गया था कि यह हमला भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर के इशारे पर किया गया है। वाल्मीकि समाज ने 2 दिन पूर्व पंचायत कर भाजपा विधायक समेत बाकी हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर सोमवार से सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी थी। बीते दिवस उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ मेरठ के अध्यक्ष टीसी मनोठिया ने कहा था कि यह सियासी लड़ाई है, इसका सफाई कर्मचारियों से लेना देना नहीं है। इसके उलट आज विनोद कुमार बेचैन ने मीडिया से यह वार्ता की। विनोद कुमार बेचैन, अखिल भारतीय सफाई में तो कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री। क्या मुद्दे को लेकर आज चर्चा की गई, क्या? वाल्मीकि समाज ने जो अल्टीमेटम प्रशासन को दिया था, एक ज्ञापन दिया था राज्यपाल जी के नाम पर, और प्रशासन ने हमें ये आश्वासन दिया था कि 48 घंटे से पहले पहले सब लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इससे समाज में पूरी तरह रोष है। आज हम लोगों ने यहाँ समाज के वरिष्ठ लोगों की मीटिंग की है। हमारे नगर निगम जितने भी यूनियन चल रहे हैं, सबके प्रतिनिधियाँ बैठे हुए हैं, सब ने मिलकर तय किया है कि सरकार को जो है हम और थोड़ा समय देते हैं, क्योंकि इस समय चुनाव में लगे हुए हैं। 24 घंटे में अगर इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 24 घंटे बाद कमिश्नरी पार्क में लगातार प्रदर्शन होगा, जबरदस्त धरना दिया जाएगा और उसके बाद सफाई का चक्का जाम किया जाएगा। अभी हम लोग इस प्रेस वार्ता के बाद मीटिंग हमारी भी चल रही है, संघर्ष समिति बनेगी 21 लोगों की, उसमें हमारे समाज के लोग उसके अंदर पूरे संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी, उसके बाद कमिश्नरी पार्क को लगातार जिस तरह किसानों ने आंदोलन किया था ये निरंतर आंदोलन चलाया जाएगा जब तक विपिन मनोठिया के हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, सोमेंद्र तोमर जी को जेल नहीं भेजा जाता। ये हमारा निर्णय है। हमारा 24 घंटे शाम को हम समय और देंगे, उन्हें 24 घंटे और देंगे। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के वंशज हैं। हम चाहते हैं एक मौका और, हम आपको 24 घंटे अगर आइए निर्णय नहीं लिया तो अब 24 घंटे बाद कमिश्नरी पार्क को घेर लिया जाएगा और वहां से हम किसी शासन को प्रशासन गुजर नहीं देंगे। रास्ते जाम होंगे, प्रदर्शन होंगे और उसके बाद सफाई का चक्का भी जाम किया जाएगा। 48 घंटे में जिला प्रशासन ने यदि हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। लेकिन आज हमारे कुछ साथियों का बयान आया जिनका सफाई मजदूर यूनियनों से कोई दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने ये जो बयान जारी किया वो फर्जी बयान है और उससे जो है वाल्मीकि समाज की शक्ति कम करने की एक जो है कुछ चेष्टा की गई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने तमाम साथियों से जो विभिन्न सफाई मजदूर यूनियन की संगठन चलाते हैं, वाल्मीकि संगठन चलाते हैं, कि वो भी ऐसे लोगों की निंदा करें कि जो वाल्मीकि समाज को और समाज को कमजोर करने का काम करते हैं। ऐसी कमजोर कड़ी की जरूरत समाज को नहीं है, समाज को आज जरूरत उन लोगों की है जो समाज के दुख दर्द में जो है खड़ा दिखाई दे, समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़े, समाज के अधिकारों के लिए आगे आने का काम करें।